चाहिए अपने टीम को वापसी कराए और यहाँ से थोड़ी सी
पास का डिफेंस किया है, बड़ा साफ पास का डिफेंस, पॉइंट्स निकालने का भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि 20 का बस से पॉइंट निकालने के लिए थोड़ी सी रनिंग बीट बीट करने का प्रयास देखने के लिए किसी भी स्थिति में पॉइंट्स नहीं करना होगा ना हम लोग जिम्मेदारियां है बोनस भी होगा एक मौका है आपके पास बोनस देने के लिए मौका लेते हुए सेफ रेडर छुटाल लगाने का प्रयास करेंगे डबल ट्राई है डबल ट्राई होने के साथ यहां पे एक शानदार टैकल स्ट्राइकर के साथ टीम ने भी एक शानदार बेहतरीन डिवाइस का लेकिन 10 पॉइंट के लिए प्रयास में लगे हुए सुधीर दोनों छोर पर तार चेंज की जा रही है लेकिन अभी तक कोई पॉइंट सीख जा पर अभी पाई है इसी के साथ खाली पॉइंट जाने का एक फैसला पांच चार खाली पॉइंट के साथ यहां पे वापस अपने पाले में फिर से मैच सुपर टैकल सुपर टैकल तो डिफेंडर मैदान पे है क्या अपने टीम की वापसी करा पाएंगे चाहिए अपने टीम को वापसी कराए और यहां से चलिए कोई बात नहीं भगवान बाग यहाँ पे क्या चाहेंगे अपने टीम की वापसी करना कुछ दो ढूंढ बचे थे वहां पे स्विच टैकल करना इसके बाद दो पॉइंट्स में जाकर हमें मौका है यहाँ से सिटी प्रीमियर लीग के लिए अपने टीम की वापसी कर रही है आन उत्तर में होंगे अगर दबदबा बनाने होंगे शुरुआती क्षण से मुकाबले में तो अब यहाँ पे डू एंड डाई डू एंड डाई समय की बात करें तो तेरह मिनट की खेल की समाप्ति चार मिनट भी खेलो अभी से क्या यहाँ से अपने टीम की वापसी करा पाएंगे यहाँ पे जेडी एकेडमी नोएडा क्योंकि चार मिनट भी यहाँ से खेल रही है और यहाँ से इस रेड कैप पाई करेगा इस सुपर टाइम में जीतेंगे या फिर टीम की वापसी करा पाएंगे यहाँ से फिर से बात करिएगा जो खेता अपने टीम के लिए खाली पॉइंट छोड़ रहा है अभी भी दोनों टीमें बराबरी पे एक बार पर छह पॉइंट जेडी एकेडमी नोएडा छह पॉइंट दोनों टीमें बराबरी पे कहीं ना कहीं
से जिंदगी में एक लीड लेना चाहेंगे जो ज्यादा अंतर नहीं बल्कि यहाँ से जहाँ से जिसमें जब सबसे ज्यादा सवाल छोड़ना चाहिए टीम की वापसी के लिए सुपर टाइगर होते हैं दो पद से हो सकता है यहाँ पे कारगर को आ गया है
दिगंबर आए हैं रेड करने के लिए पंजाबी स्टाइल क्या यहाँ से, लेकिन शरीर के बारे में आया होगा, कबड्डी खेलना होगा, शरीर का ख्याल रखना होगा, अन्यथा ये यहाँ से पॉइंट्स दे पाएंगे और इसी तरह की वन पॉइंट पे लीड बचा हुआ होगा। क्या यहाँ से भगवान थोड़ी सी ज्यादा होगा, वापसी रेड खेलने होंगे, खाली पॉइंट के साथ वहां पे जाने का हम फैसला। सुपर टैकल होंगे, दो कमरे टैकल होते हैं, दो पॉइंट से जाते होंगे, जिसमें से सिर्फ वहां पे अपनी टीम की ओर से सुपर टैकल गेम में क्या यहां से सुपर टैकल चार बस के फुल रहा है सेंटर किया और इसी के साथ पॉइंट से ज्यादा होता है वहां से। चलिए सब्सिट्यूट के तौर पे आमंत्रित किया गया है जिसमें के साथ
जाना होता है फिर से बाहर नोएडा 17 और 14 पर है मैदान पर अभी भी 3 विकेट से लेकर के हुए नोएडा घटेंगे एक बार फिर से बड़ा सा 10 रन से विजय सिंह थोड़ी सी देखिए आगे रनिंग में हमें शांति को भेज जाता हुआ जिसमें दोनों का मैच चेंज की जा रही है इसके बाद शांति प्रभात जो रनिंग में टेस्ट की जो प्रयास होती है थोड़ी सी नहीं देखने को मिल रही है हमें नोएडा में टीम की तरफ से खाली जो रनिंग में टेस्ट मैच का प्रयास जो होता है मैच का जो प्रयास होता है कहीं ना कहीं करने का थोड़ा सा आपका सिर्फ चिन्ह मौका देता है पांच पांच में आगे यहाँ पे पूरा ब्लॉक का इस पूरा ब्लॉक का साथ डेढ़ ही रेट करते हैं मुकेश के सुझाव से इस टूर्नामेंट को संचालित किया गया और साथ में इस कमेटी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत सहयोग एक बार फिर से दो एंड डाई पहला मैच हो गया जिस प्यार है चलिए समझ आएंगे चलिए पांच का डिफेंस तुषार ने गेंद लेने के लिए जिसमें बड़ा सा आउट है ये सी बात को बग लाइन को सीधे खाली कर दिया है बग लाइन को खाली करके सीधे बॉक्स लाइन के बाहर आउट लेकर कर रहे का पाए बग लाइन को 10 पॉइंट्स लेके जाए लेकिन तुषार खाली पैड के साथ अपने पार्क पर वापस अभी भी 4 पॉइंटों का फासला भगवान और 4 पॉइंट चाहिए इनको बराबरी करने के लिए यानी नोएडा 4 पॉइंट से इसकी बराबरी मिलने की बात हुई आज की बात करूं जिस समय इस मेरे को पॉइंट्स लेके जाना होता है अन्यथा रेडर आउट हो गए गजब का पैरों का इस्तेमाल हमें पैर दे रहा है मरीज की जनरेट करने के लिए इनको रिवाइवल के लिए रखा गया है क्या पाए टीम को आप कराने के खड़ा नहीं कर पाए थे इसके लिए टीम के कप्तान ने इनको आमंत्रित किया था इसलिए वहां रिवाइवल के तौर पर आए थे लेकिन वहां पे अपने टीम के योगदान में जुड़ नहीं पाए थे क्या इसी में अपने टीम की वापसी करा पाएंगे लेकिन खाली इसी तरह से तो मैं एक बात थी दोनों टीम को कोटेज करें और लंच को पहुंचाया जाए ग्राउंड पर बीचों बीच इसी के साथ 20 मिनट के खेल के समाप्त हो रहा है पॉइंट की तरफ एक बार चलते हैं तो जीडी के लिए नोएडा 20 पॉइंट और 29 लगाए भाईमान टीम के खाते में 14 पॉइंट यानी 6 पॉइंट सुपर टाइटल दूसरी बार आओगे पत्थर पे चलते हुए भगवान बॉडी टीम के क्या यहां से वापसी करा पाएंगे अपने टीम के लिए सुपर टाइटल ऑन है सुपर टैकल पे अभी अभी तो लोग दो पॉइंट से जाते होंगे क्या यहां से वापसी करा पाएंगे जो यहां से 6 पॉइंट पे वाले हैं उसकी क्या बराबरी कर पाएंगे भगवान पानी के खिलाड़ी डिफेंडर कहीं ना कहीं सब ट्राई भर के जीडी के लिए नोएडा हरा के शक्ति क्षण की मांग करे जो 8 मिनट में खेल चला था उसमें भगवान पानी का इनर लाइन दबदबा को छोड़ता था लेट को बनाया था लेकिन एक शानदार वापसी करने के बाद ऑल आउट किया भगवान पानी को वहां से लेट लिया इसके बाद अपने रेड को बरकरार रखा है जेडी के लिए मिला रहा है एक शानदार प्रदर्शन से टीम के द्वारा लेकिन अभी भी यह है सेट जो है कम से कम रेटिंग की हासिल से करेंगे एक कप में इस फ्लोर में चैंपियन बनती है हालांकि सुपर टैकल और तुषार बैकअप नहीं मिल पाया यहाँ पे इस बैकअप मिलता तो सुपर टैकल जरूर होगा लेकिन फिर से दिगंबर आए रेड करने के लिए दिगंबर छोटा बैक बड़ा धमाका पंजाबी स्टाइल पे हमें समझते हैं कि आप टीम के वापसी करा पाए कि लगे पिछले ग्रेड कप्तान ने को दिया था लेकिन खरा नहीं उतर पाए थे वहां पे खाली पाए जाने का अहम फैसला क्योंकि कहीं ना कहीं से वापसी करने के लिए थोड़ी सी रिंग से जानी चाहिए थी यहाँ पे दिगंबर को लेकिन कोई फायदा नहीं फिर से बार बार सुपर टैकल आ रहा सब पॉइंटों का लीड हो चुका है जिस तरह से आक्रमक मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला रोमांचक मुकाबले पहले इनिंग्स में देखने को मिले चढ़ाव उतराव दोनों टीमों के द्वारा देखने को मिला थोड़ा सा क्या यहाँ से वापसी कर पाएंगे
भगवान जी में अगर यहाँ से आला होंगे तो काफी लेके जाने होंगे किसी भी स्थिति में, अन्यथा रहने वाला एक मंच से जिंदगी फंसी हुई संस्थान पार्टी में 20,000 और लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है दिगंबर के द्वारा। हालांकि सुधीर क्या उनकी पास जिम्मेदारियां होंगी अपने टीम की वापसी करने के लिए। हालांकि शुरुआती क्षण की बात करें तो तालमेल काफी बना था, लेकिन इस बार थोड़ी सी तालमेल बनाई दूसरी बार यहां से अगर वापसी करनी होगी भगवान पानी को तो रिंगसी रेड सुपर सुपर पॉइंट्स लेने की आवश्यकता है। साथ में नोएडा टीम को आला उतर करोगे अगर वापसी करनी होगी तो थोड़ी सी पॉइंट की आवश्यकता बन चुकी है। हमें ऊपर सुपर सुपर पॉइंट्स की आवश्यकता बन चुकी है। पॉइंट्स लाते हैं सब लोग टाइगर करें थोड़ी सी तालमेल को बना कर खेले, लेकिन खाली पॉइंट के साथ वापस यहां से बचती है नोएडा के टाइम पे। हम आसानी से डू एंड डाई पे इस मुकाबले को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि डू एंड डाई पे मुकाबले चलेंगे तो स्विमिंग पे कटौती हो जाएगा और वहां से चलिए सुपर कहीं ना कहीं यहां से सुपर की जो मुकाबला हो रही है उसमें रेडर का सबसे बड़ा यूनिट उसमें रेडर को पॉइंट के लिए लेकर वहां पे कम से कम एक लंबे उछाल की आवश्यकता है पॉइंट्स में, क्योंकि काफी पॉइंटों का जो अंतराल है वो कहने में यहाँ पे 11 पॉइंटों का अंतराल दे चुकी है। 11 पॉइंट को बैकअप करने के लिए थोड़ा सा रिक्सी रेडी की आवश्यकता होगी, सामने टैकल करने होंगे, इसके बाद टीम को फंसाने होंगे यानी ऑल आउट करने होंगे रेडर टीम को, तब जाकर वापसी हो सकती है। थोड़ी सी प्रयास लगातार इंतजार को देखी जाए कहीं ना कहीं उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है नोएडा टीम को सफलताजनक स्थिति के ले जाने के लिए, लेकिन यहां से कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते तुषार खाली पॉइंट के साथ वहां पे सरस्वती वापस प्रयास की जा रही है, कोई मौका नहीं खाली पॉइंट के साथ अपने पानी में आ गई फिर से बार बार पॉइंट्स लेके जाने होंगे भगवान भगत के रेडर को, पॉइंट्स लेके जाएंगे इस बार अपने वापसी का बटन को इसी लगातार अभी तक तो जीत रहे थे, लेकिन चैन के साथ यहाँ पे टैकल करके गई चैन में फंसे और पॉइंट्स भी अच्छी टीम को फिर से बार टू एंड आई। तो सारा कब से मेहनत कर रहे थे खाली रेड समय कटौती कर रहे थे, लेकिन इस बार निकालने होंगे यहाँ से और यहाँ पे थोड़ी सी बैकअप नहीं मिल पाया चैन के साथ साथ वही ब्रेकर नहीं मिल पाया, थोड़ा सा निराश जरूर होंगे पर इस पॉइंट पर जाने का पक्का का भरोसा हुआ। 28 पे पहुंच चुके हैं नोएडा और अंकुश लगा हुआ भगवान पानी के खाते पे, क्या शानदार वापसी किया यहाँ पे सीधे यहाँ से एक शानदार टाइस के लिए पेश किया गया, इसमें सफलता है नोएडा के खिलाड़ी साथ साथ डिफेंडर की बात करें तो वही ना वही तालमेल सबसे ज्यादा महत्व रखता है और तालमेल को सबसे ज्यादा बरकरार रखा है। हालांकि अभी काफी पॉइंट के अंतराल बन चुके हैं सुपर टैकल और इस सुपर टैकल पे थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर दिया है ऐसे ही बार आउट के लिए कोई यहाँ पे जोखिम नहीं उठाना चाहता है, वापसी कराना हो रहा है यहाँ पे रनिंग को सुधीर की वापसी नहीं करा पा रही यहाँ पे भाग
बार टीम की खिलाड़ी यही सबसे बड़ा कमजोरी बन जा रहा है उनके लिए। अगर वापसी कराते तो संभवतः वही है जो रेड है उसको वापसी करने थोड़ा सा जो जो रेड है वो कई मैदान को बाहर है या फिर दिखाता है दिखाता है प्रयास किया जा रहा है लेकिन कोई मौका नहीं। यहाँ पे खाली पॉइंट के साथ वापस हो गए अपनी पाली में फिर से बार बार सुपर टाइगर दूसरी बार सुपर टाइगर क्या वापसी के लिए जूझ रही है। हमें हालांकि काफी मंजिल स्थिति में जा पहुंची है हालांकि एक तरफा मुकाबला जिस तरह से लगातार झुंड मुकाबले हुए थोड़ी सी जो बीस मिनट का खेल हुआ कम से कम उसमें पॉइंट्स की थोड़ी सी क्लिकता बनाना चाहते थे लेकिन अकेले देखम कर कर भी का साथ थे वहां पे थोड़ा सा सहयोग नहीं मिला। 9 मिनट के खेल की समाप्ति 9 मिनट के खेल की समाप्ति 11 मिनट से इस बस से हुए इस इनिंग में इसी के साथ पॉइंट्स की तरफ एक बार फिर से चली जाए तो 30 पॉइंट है मेरा और 14 पॉइंट है मेरा काफी पॉइंटों का अंतराल कहीं ना कहीं इस मुकाबले में काफी पिछड़ चुकी हालांकि बैकअप करना चाहते थे चतुराई थोड़ी सी पीछे से टैकल करना चाहते थे कारकास ने लेकिन कोई फायदा नहीं इस तरह से नहीं वन पॉइंट पे धक्का होता हुआ काफी समय बाद यानी 6-7 सेकंड के बाद वापसी यानी पॉइंट पे धक्का होता हुआ बार बार टीम के बाद में इस पॉइंट पर जाने का बाद 15 पे पहुंची है भागलपुर और 34 पॉइंट है नोएडा लगातार करते हुए लेकिन खाली पॉइंट के साथ वापस फिर से बार सुधीर रेड पे जो पिछली बार रेड पे सफलता मिला था उस सफलताएं के साथ कहीं ना कहीं एक सुपर सुपर रेड की आवश्यकता है जिस तरह से रेड गए थे जो एक ही बार में 5 जो जब लेते थे कहीं ना कहीं उस तरह से एक जो उस तरह से आ जाते हैं पॉइंट्स आला टीम ने दिए तो बहुत ही कर सकती है सफलताएं भी बनी है क्योंकि समय काफी बचा है यहां से अभी भी काफी पॉइंटों का यहां पे अंतराल देख चुके हैं जो 15 पॉइंट है भगवानपुर और 24 पॉइंट जीटी इंडिया में नोएडा खाली पॉइंट के साथ अपने पारे में वापस फिर से बार एक नंबर दर्शन के साथ रेडर 20 का फैसला आपके पॉइंट्स में निकाला है और सिंधु को सीधे पहले को बाहर किया है समय की कटौती और इस तरह से वन पॉइंट के साथ जमा 35 पर पहुंच चुका है यहां पे जेडी एकेडमी नोएडा काफी 20 पॉइंट का फासला यहां से 20 पॉइंट का फासला इस फाइनल मुकाबले में 20 पॉइंटों का फासला जो कबड्डी के मुकाबले में देखी जाए तो धरती और आसमान की फर्क कही जाएंगे वापसी करना काफी मुश्किल बन चुकी है भगवान पानी के लिए बस थोड़ी सी जो समय होते यहाँ से सब करते हुए यहाँ से 2.5 की संभावनाएं बन चुकी है 8 खेल से बचा हुआ यानी 12 मिनट खेल की समाप्ति खाली पानी के साथ साथ वापस कोई चोटी नहीं उठाना चाहते यहां से कोई चोटी नहीं कोई समझ रहे बुझ रहे यार पे कि हम अपने खाली पानी के साथ वापस दो मिनट आई आनंद है रेड करने के लिए आनंद रेड करने के लिए यहां से टीम की वापसी की अवसर है और संभावना टाइट है फिर से बरकुम की बारे में लगाने वाले थे एक शानदार थाई फुट काफी शानदार यहां के प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ जीडी एकेडमी नोएडा की तरफ से लगातार रेडिंग की देखी जाए या टैकल की देखी जाए हर पर वहां पे भरा हुआ
पहले कई सुपर मुकाबले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आज हंसर जी भगवान राजनीति से तरह से उम्मीद लगाई थी उस तरह से खारा नहीं कर पाए भगवान कमेटी में। हालांकि इस बार खाली पैर के साथ करके इच्छुक नहीं उठाना चाहती यहाँ से सिटी के कड़ में बैठ जाते हैं इच्छुक नहीं उठाना चाहती इस बाइट में लेकिन ये तो 36 और बंद काफी पॉइंटों का फासला। सुधीर क्या सोच रहे होंगे अपने टीम के लिए वापसी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें चल रही है 21 पॉइंट का फासला है यहाँ पे 21 पॉइंटों का फासला बड़ा सामना चढ़ाकर प्लानिंग बंद बनाने में ठीक खाली भी करेंगे वहां पर खेलने का प्रयास खाली पैड के साथ वापस। हालांकि देखिए जाए तो सात पूर्वक मुकाबला दो एंड टाई के लिए कोलारा टीम के यशस्वी खिलाड़ी भाई एक शानदार रन अभिषेक भाई जो एनर्जी बचा हार बके उतरे बात भी कम करें पे छोटा पाई का लाना का बस यहाँ से औपचारिकता ही बच रही है बस यहाँ से समय कटौती होती हुई कोई यहाँ से निष्कर्ष निकल चुका है कि इस मुकाबले में पूरी तरह से अपने आप को कब्जा जमाते हुए धीरे धीरे चैंपियन ट्रॉफी में चार का डिफेंस बड़ा साफ और अकेले लास्ट करने का प्रयास देखिए चंद चलाई थे वन पॉइंट के साथ क्या बात फिर से बार डिसीजन मिलता हुआ कुंडवा हैंड में और हवा में पैरों का इस्तेमाल कोई फायदा नहीं। टोल टेस्ट का भी नहीं देखी जाए तो कोई भी खिलाड़ी प्रयास कर नहीं किया है और डैश की पूरी सफलता है और इस तरह से उम्मीदें भरी डैश और इस तरह से पॉइंट में जा पहुंचता हुआ फिर से बार चौथे बार आउट हुई सफलता के ठीक अली में भी जाता है भगवान पार्टी में सुपर टैकल के लिए दिगंबर लड़ रहे थे वहां पे लेकिन इस तरह से बिल्कुल समय की कटौती हम बनते हुए और वन पॉइंट 10 पॉइंट के साथ स्कोर बन गया था 40 और 15 भैया 40 फिर से बन गए इस बार आउट होती हुई भगवान को मिली में थोड़ी सी मिड लाइन के बीचों बीच क्या यहाँ से टाइटल कर लिए या पॉइंट में जाकर डाल चुके हैं दो पॉइंट का जमा होता हुआ फिर से बार बार जेडी एकेडमी डोडा हालांकि पॉइंट्स के एक लंबे उछाल लंबे अंतराल धरती और फर्क 45 रुपया और 15 पे अपने उस वजह में भगवान को अब चरिता ही मात्र केवल बन चुकी है जैसे जैसे इस समय बनाया जा रहा है जेडी एकेडमी डोडा जो इस बार की बलिया के प्रति द्वारा की धरती से इस चैंपियन के ठीक प्राइस के नजदीक जाते हुए भगवान बोलो भैया पॉइंट्स 16 ही 45 और 16 45 है नोएडा और 16 पॉइंट भगवान बोलो और दर्शकों से मांग है कि चुटकी वाले बाबा में परेड बन जाएगा चुटकी वाले बाबा एक बार थोड़ा सा परेड में आ जाए दर्शकों का मांग है क्या पाए खराब मत जा छुआ जा अमन यादव चुटकी वाले बाबा एक तो पसपस तो लगता है कहीं ना कहीं आप डिफेंड पे दिखा रहे हैं लेकिन रेड पे भी आपको आना होगा और कप्तान सर उन्हें नोएडा टीम के कप चुटकी वाले बाबा को भाई रेड आमंत्रित करें चुटकी वाले बाबा रहे थे क्या यहाँ पे भगवान पाने टीम तपस्या को भंग करेंगे या पॉइंट्स को लेके आएंगे
लेकिन लेके आना है, समय नहीं कटाना है, पॉइंट एक भरे भरे 10 मिनट तक दिया जाए। खाली पॉइंट से वापस भैया भैया नंबर की जर्सी भाई से क्या बारी बारी से समय चले डेढ़ मिनट के शेष और राकेश भी आप आए थे संकेत के तरफ आए और मैच के संपन्न करा दिए गए। समय की समाप्ति और काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जेडीए क्रिकेट द्वारा 2024 सबसे भला भला सम्राट खत्म हो जिला स्तरीय क्रिकेट कबड्डी प्रतियोगिता का चैंपियन बनते हुए एक बार पुनः मैं समस्त प्रेमियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इतने शानदार टूर्नामेंट का आयोजन बड़े भाई महेश जी के द्वारा किया गया और सफल पूर्वक सफल हुआ। इस कार्यक्रम के बीच इस फाइनल मुकाबले के बतौर मुख्य अतिथि भावपर लोकसभा बलिया के यशस्वी पूर्व सांसद आदरणीय श्री भीम सिंह पंत जी के लाडले 363 भाई सभा के भाग बनाए गए आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया और साथी भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने अपना करोड़ों और इन कमेटी के सदस्यों की आपने समय निकाला इतने समय के लिए। मैं कमेटी की तरफ से भी आपको ढेर सारा करता हूँ। मैं बड़े सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता या पाए और खेल के क्षेत्र में और इस टूर्नामेंट के संदर्भ में अपना संबोधन संदर्भ के आदरणीय अतिथि महोदय सम्राट क्लब द्वारा रात का भी मैच फाइनल मुकाबले आए सभी दर्शक करता हूँ सभी नौजवान साथियों से बात करता हूँ। इस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे छोटे भाई आदित्य दिपेश जी, इसके कमेटी के और सदस्य विवेक सिंह, विकास सिंह, राकेश सिंह, धीरज सिंह, गोलू सिंह, रंजन सिंह, रवि सिंह, संदीप सिंह, विनीत सिंह, गौतम सिंह, छोटू सिंह, राहुल सिंह, मनु सिंह, गोल्डन सिंह, ऋषि सिंह, सूरज सिंह और तमाम छोटे मेरे भाई प्रत्येक इस कंपनी के मुकाबले में आने का सौभाग्य मिलता है। लगभग 3-4 सालों से देखता हूँ कि बाजीपुर गांव हमारा छोटा गांव है, इस गांव के बीचों बीच हजारों के दर्शक आज भी इस ग्रामीण खेल को देखने के लिए छोटे से मैदान में उपस्थित होते हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारे सभी छोटे भाई सभी को मैं करता हूँ बताता हूँ किस प्रकार से आयोजन करना चाहिए और आयोजन के साथ साथ खुद को खेल में रखना चाहिए। मैं हर साल करता हूँ, हर बार करता हूँ, जब भी आता हूँ कि नौजवान साथी एक घंटा घंटे कम सुबह जरूर ग्राउंड में जाए। बगल में महात्मा गांधी का कॉलेज है, मैं सुबह गया था, लड़के आई आई हालांकि अपने मंदिर का मोहित कोर्ट का सामान लगाए चेक लगाए वहां जाए आज कई भी खिलाड़ी खेल रहे थे देख रहे थे आराम से। हम सभी खिलाड़ी हैं, हम लोग भी खेल खेलते हैं और आज भी खेल खेलते हैं। कई नौजवान साथियों को मैंने देखा स्किल है लेकिन पावर नहीं, पावर पर तब आए कैसे आए जब आप ग्राउंड पे जाओगे सुबह वर्जित करोगे वेट ट्रेनिंग करोगे। कहीं वेट ट्रेनिंग का सवाल नहीं है हमारे क्षेत्र में तो हर जगह लगा रखा है। आप लोग जाओ, मैं बता रहा हूँ कि फिर जवानी आने वाली नहीं है। जितने बुजुर्ग हम लोग गाँव का जितने 22 नौजवान के कम से कम बना रहे हैं जितने ये कमेटी के सदस्य हैं इससे बढ़िया चीज उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में नहीं।
बाजीपुर में वॉलीबॉल डॉक्टर बाई बाई को मिला था होता था, होता था। इस प्रकार की टीम कहीं नहीं थी, इसलिए थी कि हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग होते थे, हमारे गार्जियन होते थे, वो स्वयं खेल के मैदान में जाते थे। कबड्डी के सीजन में कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल के सीजन में वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट के सीजन में क्रिकेट खेलते थे, और इसलिए खेल पाते थे कि इसके फिजिक्स कोई लोग मजबूती से खेलते थे, कोई पहलवान थे, बड़े बड़े पहलवान थे। तो सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हम देख रहे हैं, सभी लोग के हाथ में मोबाइल है, तब हम अपने समय में सबका डाटा यूज अपना निकाल लो, कोई थोड़ा घटा घटा यूज नहीं कर रहा, अपना डाटा रोज चेक कर लिया करो, रात में हम कितने देर तक स्क्रीन को देखे हैं, 18 घंटा से कम कोई नहीं देख रहा है ठीक ठाक, और ये छोड़ो यार, जाए कम से कम ग्राउंड पर बिताओ यार, एक घंटा दो घंटा, ये महात्मा गांधी का टाइम है, ग्राउंड पर 50-50 सेकंड फुटबॉल का मैच है। कबड्डी की टीम बताए तो मैंने सदस्य कम हो जाएगी, उनमें से खेली बढ़िया बात है कि हमारे नोएडा से भी खिलाड़ी आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे गांव के भी लोग निकले खेलने के लिए, बाई बाई टीम शायद नहीं खेली होती, नहीं खेली होती। आखिर इस आयोजन का फायदा क्या है बताओ, हम लोग हर साल आयोजन करते हैं, बाहर के बच्चे को बुला के खिलाते हैं, हम किसी एक बच्चे को खिलाड़ी नहीं बना पाते हैं, हम सभी लोग सोचना चाहते हैं, खुद में आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम लोग विगत 8-8 मैच करा रहे हैं, 5-5 मैच करा रहे हैं, हम खुद कराते हैं, और इसलिए कराते हैं कि हमारे छोटी पीरियड टीम कर जाए, तुम लोग मुख्य रूप से बालीबॉल मुझे खुशी होती होती, मुझे अच्छा लगता था कि यार तुम लोग खेल रहे, हम लोग 4 साल से मैच में आ रहे, एक भी खिलाड़ी जल्दी निकाल पा रहे हैं, एक भी मुगल में हमारे नहीं खिलाड़ी निकाल पाए, एक भी कन्हैया नहीं खिलाड़ी निकाल पाए, अपने गांव का देखो दो तीन एक भी वॉलीबॉल कबड्डी के प्लेयर नहीं निकाल पाए, इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि हम खुद ग्राउंड में नहीं जाते, और किसी की लंबाई चौड़ाई कम नहीं, किसी घर में दूध दही नहीं, आज के दिन में हर घर में दूध दही है, सबसे अधिक निभाई लग गया है, हम अपने दरवाजे से देखते हैं, सब आपस में बात बात और सबको टोका करो ग्राउंड में जाए, यार स्वस्थ नहीं रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला है, और 2 साल में जमाने ये है ना खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, हम सभी लोग जानते हैं करते हैं, और ये घाट नहीं रहे ठीक है, ये आयोजन का मकसद रहो कि खिलाड़ी का हम बाहर से बुरा मत मांगा, ठीक है हम खुद कराते हैं, मैं जानता हूँ इसलिए करो बाहर से सारे तो खिलाड़ी खिलाफ अपने अपने लोगों को दिखाए, उससे हमारा मकसद नहीं पूरा होता, इसका मकसद है कि मैं तो खिलाड़ी नहीं करूँगा, तो आयोजन बढ़िया है, खेलों का उत्साह ये यही है कि ग्राउंड है, खेल का मैदान है, जहाँ पर हम लोग जात पात धर्म मजहब सब के खेल खेलते हैं, इसलिए कोई नहीं जानता होता कि जात क्या क्या किस मजहब का, हम एक तो करते नहीं पकड़ते कि ब्राह्मण है कि ठाकुर है कि यादव है कि मुसलमान है कि यार, उसमें हम सभी खिलाड़ी जाते हैं, इससे बड़ी जात कोई नहीं होती, हमारे आज के वर्तमान दौर में जहाँ हर कोई जात पूछता है, हर धर्म पूछता है कि धर्म क्या है, हर छोटी हम जात राजनीति और धर्म धर्म के किसी तरह यही है कि ऐसा जमाव है, खिलाड़ियों का ऐसा जमाव है कि कभी कोई नहीं जानता कौन किस धर्म का है, यही है कि ऐसा जमाव है, हम जानते हैं कि हमारे घर पर पटदार जनता खोली के लिए होती है, हम लोग भी मिट रहे हैं और उसमें आपस में मिटकोट होता है, बाद में खेल के मैदान के बाद हमारी उनसे दुश्मनी चलती है, लेकिन खेल के मैदान में जब हम टीम के भाव से गांव की तरफ से अपने ब्लॉक की तरफ से अपने जिला की तरफ से अपने देश की तरफ से खेलते हैं, तो कोई ऐसी नहीं रहती है कि हम लोग यह सोचे कि हमारा ही दुश्मन है, बहुत बड़ी ताकत है खिलाड़ियों के आपस में हर साल टूर्नामेंट कराने का मकसद एक लोगों के खिलाड़ियों की जमात है, जो आज आज दिन में भोजपुरी गाने वाले चाहे और समाज वाले राजनीति करने वाले लोग जात कुंभाट जा रहे हैं, कोई अहिरान का गाना गा रहा है, कोई गुमान का गाना गा रहा है, कोई घुमियार गाना गा रहा है, कोई उसका छुटा गाना गा रहा है, जब छोड़ कर ये सब जमात खिलाड़ियों की जमात इसकी तैयार करो, हर ग्राउंड में तैयार करो, और खेल के लिए हरदम
हर जगह जहां खोजोगे हम हैं। नशा से मुक्त रहो और खेल के लिए खेलो। और मैं खिलाड़ियों से कहता हूँ, आप लोग भी खेलने का मौका है, मैं जानता हूँ, मैं खिलाड़ियों से भी कहता हूँ, कभी भी स्ट्राइक की चाइट मार मत करना, खत्म हो जाओगे। मैं देख रहा था खेल के रहते हो, मैं आंख पास शांता हूँ खिलाड़ियों। दो साल बाद तुम लोग की दवा कराने वाला कोई नहीं मिलेगा, बिना दवा का और खूब खेलोगे तुम, मन मन में रियाज करो, वो जो ताकत मारते हो ना उसके लिए खुद सुबह सुबह ग्राउंड में जाया करो ना, ग्राउंड में जाया करो, अपने आप ताकत आएगी, किसी बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना आप सभी को, सभी नौजवान साथियों को, हमेशा बुलाओ, मैं हमेशा आऊंगा, हर महीने आएगा, खिलाड़ियों की जमात तैयार करे और सबको मैं कह रहा हूँ हिदायत के साथ ग्राउंड पर जाओ, जिम लगवा के आगे का दो जिम लगवा दिन लगवा दो पूरी इंडिया में जाओ। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मैं जम्मू के लिए बहुत है। हालांकि मैं इस थोड़ी सी समय को लूंगा, ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक राजनीति घर से व्यक्ति निकला हुआ और हम सबों के बीच, हालांकि मैं अधिकतर देखता हूँ भैया, मैं तो कमेंट्री कराता हूँ, हर जगह जाता हूँ, हर ग्राउंड में जाता हूँ और जिले से बाहर भी गया हूँ। हालांकि जो भी राजनीतिक परिवार से आते हैं कहीं ना कहीं उसमें जो भी लोगों के मैदान के बीच निबंध काटने आते हैं, चाहे लोगों के बीच में जुड़ाव रखते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक स्वार्थ छिपा होता है और मंच पे भी राजनीतिक बात करते हैं, फील्ड भी ग्राउंड पे। लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले जो खिलाड़ियों को अपना छोटा भाई, अपना सगा भाई मानकर इनकी भविष्य की आपने चिंतन की और साथ में इनके आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने एक चीज जो बताया, इस बात से मैं ये सहमत हूँ कि जितने इस क्षेत्र में टूर्नामेंट कराए जाते हैं तो सबसे बड़ी टूर्नामेंट को इस बैरिया विधानसभा में आप ही के क्षेत्र में ये बैरते करो कभी ना। और सबसे अच्छी बात है जो आपने कहा था, ठीक है टूर्नामेंट कराइए और खिलाड़ियों को आमंत्रित कीजिए, दूर दूर से खेलाए, लेकिन उसमें अपने भी टीम को भागीदारी दिया जाए ताकि वो निकल कर और इस क्षेत्र से निकल कर कम से कम अपनी इस बाजी को और दल से अपने गांव को नाम पसंद करे, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा आपका रहा है। तो देखा हूँ बिट्टू भाई, जब हम लोग वॉलीबॉल देखते थे बिट्टू भाई का मैं कमेंट्री करने जाता था, तो बिट्टू भाई जाकर और जिला स्तरीय खेले, राज्य स्तरीय उनकी एक बहुत भी खेली, तो कहीं ना कहीं तरह से गर्व होता है कि हर एक खेल के क्षेत्र में अगर हमारे क्षेत्र कोई लड़का खेलता है तो पहुंच की कमी नहीं है, आपके पास हुनर होनी चाहिए भैया, लोगों का आशीर्वाद आप जरूर हम लोग अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जा सकते हैं। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देना पड़ेगा भैया, क्योंकि आपने जो भाइयों के लिए विवेचना और चिंतन की यह सबसे बड़ा योगदान। और आप लोग इसी क्रम में हेलो आदरणीय दीपक जी को मैं आमंत्रित करूंगा, हेलो कम शब्द रखना समानता के फिल्म के संदर्भ में हम सब उपस्थित रखेंगे। और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गांव के आए हुए सभी नौजवान साथी, खेल में हार की खुशी होती है, जो फाइनल के खिलाड़ी आए हैं वो दोनों जीत कर आए, सेमी फाइनल क्वार्टर होते हुए फाइनल आए, जो फाइनल में जीते वो ठीक है, जो हारे हैं वो भी जीते ही है फाइनल, इसलिए सभी लोगों को नवरात्र की भी शुभकामना हमारे तरफ से सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीसी सचिव जी महोदय। अब चलते हैं चलिए, अब जिसके लिए इस गांव पर आक्रामक मुकाबला चल रहा था वो धीरे धीरे घड़ियां समाप्त होती है और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं का पाए और मुकेश भैया आप बारी बारी से लीजिए।
आप आए और डिंपल भैया का मंत्र करूंगा कि आप खड़े होकर रूपी जेता ट्रॉफी कप्तान भाई रूपी सिंह को प्रदान करें। आ जाए डिंपल भैया, चलिए आकाश हाय हाय चलिए कम समय है तान से वार्ता और चलिए इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि भावी विधायक मैं बड़े भैया को आमंत्रित करता हूँ कब आए और विजेता ट्रॉफी देकर इनको सम्मानित करें। मैं आपको चाहूं तो क्या पाए चलिए सीरीज हेलो हेलो मैं चाहूंगा कि क्षेत्र में आप ही के क्षेत्र में है और YouTube चैनल क्षेत्र का कोई भी ग्राउंड नहीं जहां वो कमेंट्री कराते हैं तो हर एक मैच का कवरेज करते हैं संजय पासवान बढ़िया